साहिबगंज जिले के नगर थाना अंतर्गत गुरुवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 संगीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को एसपी अनुरंजन किसपट्टा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बड़े किस्म के अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, जिस पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और घटनास्थल पर छापामारी की गई। मौके वारदात पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जांच के क्रम में आरोपी के पास 4 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 13 खोखा, 1 बड़ा चाकू एवं बड़ा दबिया बरामद किया गया। मुख्य आरोपी मुक्तेश प्रसाद उर्फ मनीष परिहार से मामले में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने अप्रैल में हुई प्रवीण यादव की हत्या के मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और 2 मुख्य आरोपियों के नाम बताए। उन्हीं की निशानदेही पर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी घटना में शामिल सभी आरोपियों के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। वहीं इसमें मुख्य रूप से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संजीव कुमार यादव, मिथुन कुमार, राजकुमार ठाकुर, करण कुमार उर्फ गुरुदेव साह को गिरफ्तार किया गया। पुरानी साहेबगंज थाना क्षेत्र में छापामारी की गई, जहाँ से मुकेश प्रताप, संजीव कुमार, मिथुन कुमार, राजकुमार और करण तादी की गिरफ्तारी हुई और तलाशी लेने पर वहाँ अवैध अग्निराज, जिंदा गोली, खाली कोकर को कागजात और ये जो हथियार पड़े हैं काटने के ये बरामद किए गए, जिसके पश्चात पुनः पूछताछ के क्रम में मुकेश प्रताप से प्रवीण यादव हत्याकांड जो अप्रैल माह में घटित हुई थी उस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा अपने अन्य 3 सहयोगियों के नाम बताए। मैं अभी उसका खुलासा नहीं किया हूँ, लेकिन वो 3 नाम आ चुके हैं, जल्दी वह भी गिरफ्तार किए जाएंगे। और उस घटना में चोरी गई ये टीवी बरामद कर ली गई है और प्रयुक्त हथियार भी जिससे काटा गया था वो भी बरामद है और जो सोने वोने जो लिए गए थे उसे एक स्वर्णकार को बेचा गया, उस स्वर्णकार को भी उस निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है और उसने उस सोने के बदले करीब 1,11,000 रुपये इसे दिए थे, जिस पैसे से भी इस हथियारों को खरीदने की बात कर की जा रही है बताई गई है और पुनः एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे इस गिरफ्तारी के से टाला जा सका। इस टीम में शामिल सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सर, प्रवीण हत्याकांड की वजह क्या रही थी सर, क्या उसका कुछ खुलासा हो सका है? प्रवीण हत्याकांड में अभी तक इन लोगों ने जो स्वीकार किया है वो पूर्व पैसे और जमीन की बात बताई। सर, जमीन का जो कागजात गायब हो गया था, क्या उनके बारे में कुछ बता? वो बता रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं बताए हैं, कभी कुछ बता रहे हैं तो स्पष्ट बातें नहीं आई हैं। जो बातें इस कम समय में पूछताछ के दौरान रिकवर हो सकती थी वो टीवी आपके सामने है और बाकी चीज़ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सोने जवाहरात की बात थी, वो उन्होंने स्वीकार किया है कि उसको बेच दिया गया है, तो हम सारे चीज़ों को प्रयत्न कर रहे हैं। आगे सर, इनके द्वारा क्या घटना का अंजाम दिया गया था इसके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हैं? ये तो अभी नहीं बता सकते। सर, प्रवीण के अलावा भी किसी घटना को इन लोगों ने अंजाम शहर में दिया है ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, लेकिन एक घटना को अंजाम देने वाले थे जिसे टाला जा सकता है। अच्छा सर, इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह का भी हाथ है क्या? इसके पीछे जो पकड़ा है अपराधी, ये गिरोह नहीं है क्या? खुद ही गिरोह सुना जा रहा है सर, घटनास्थल पे एक पल्सर बाइक भी पकड़ा गया जिनमें कुछ पैसा वगैरह है। 18-25-55 जो बता रहा है वो पूर्व पैसे के लेन देन की बात बताएगी, वो उसका पूर्व परिचित रहा प्रवीण, और भी बहुत तरह की बातें बताई जा रही है, जब तक वो स्थापित नहीं होती है उसे पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन अभी तत्काल जो बताया गया है कि पूर्व पैसे के लेन देन की बात और जमीन बोला है कि पैसा मैंने जमीन के लिए दिया था। सभी आरोपियों में सब प्रवीण का साथ रहने वाला था, ये जो मुक्तेश जो है सर, इसे ये भी तो पता जाहिर हो रहा है कि भू माफिया कंटिन्यू लगा हुआ है सर, सक्रिय है सर, क्योंकि ये जमीन की बात हो सकता है या कोई बात है, भू माफिया कंटिन्यू लगा हुआ है। का अपना अपना विवाद रहता है,
किस रंजिश में कौन किस घटना को अंजाम देता है। कंपटीशन हर जगह है, आपके यहाँ भी कंपटीशन है, उनके यहाँ भी कंपटीशन है, और कोई घटना खारिज कर देता है और इसी परिप्रेक्ष्य में वो घटनाएं घटित होती है। हाल के दिनों में सर इनके विरुद्ध एक थाना में आवेदन गया था जिसमें कि हथियार के बल पर डराने धमकाने का मामला घटित हुआ था, इसके बारे में कुछ जानकारी है? वो कुछ पंडित है जिसको पुरानी साहिबगंज में इन लोगों के द्वारा धमकाया गया था जिसके इवज में आवेदन दिया गया, नगर थाना में दिया गया था।